ये होता है बेटियों का सुख। देखो कौन कौन अपनी बेटियों से सुख पाता है, मेरी तरह। आज है सैटरडे, इसीलिए मौज दे है ना। कौन अभी सुख पा रहा है। ये बात उनके लिए है जिनके जो कहते हैं बेटियों बेटियां नहीं होनी चाहिए, बेटियां नहीं होनी चाहिए। ये बात उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। जिनकी सोच छोटी होती है, सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, ये बात उनके लिए है, सबके लिए ये बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो बेटियों के लिए परेशान रहते हैं, बेटी हो जाए बेटी हो जाए। बहुत सारे लोग तो एडॉप्ट भी कर लेते हैं बेटी के चक्कर में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि बेटी ना हो तो बेटी बोझ होती है। बिल्कुल तो भाई लोग ये देख लो कि बेटियों से ये सुख होता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। दूसरी दूसरी जान भी है। जान अपने पापा के पास पापा जान खा रही है। है। जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। क्यों बेटा, इसे तेल लगवा लिया करो हर बार बाल धुलने के बाद। बेटा बाल धुलने के बाद तेल। अब हम लोग बड़े हो गए ना, अब हम लोग स्कूल टाइम पे थोड़ी ना है, स्कूल हाँ, तो अब टाइम हम पे लोग है। दिन भर फैशन करते घर में रह जाएंगे, हाँ घर में रह जाएंगे। देखो हेयर फॉल कितना हो रहा है, बिना हाँ, तेल नहीं डलवाती हो इसीलिए हो रहा है। बिना कंघे के देखो। स्कूल टाइम पे तुम्हारे जैसे दो चोटी करके जाते थे हम भी। हमारी भी मम्मी ऐसी दो चोटी बांधती थी सर पे, ऐसे ऐसे रिबन लगा के ऐसे बांधती थी, ऐसे जैसे बकरी के कान नहीं लटकते ऐसे लटकते थे, इतने इतने बड़े हम लोगों के दोनों, इतने इतने बड़े लटकते थे कान। आपके तो इतने लटकते हाँ मेरे बाल लंबे है ना। गोल्डन कलर कितना मस्त होगा। मस्त नहीं, उस टाइम पे बड़ा खराब लगता था। अब फैशन तो आप चली है सारी, पहले नहीं चलती थी फैशन ऐसा। नहीं तो हमें तो बिना कलर कराए माय कलर थे बाल, कुदरती ऐसे नेचुरल थे मेरे बाल। ऐसे बिलीव थोड़ी होगा, आप अपने वो पुराने एल्बम वाली फोटो डाल दो कभी। और हाय कितने मजे आ जाएंगे। ऐसे लगता था मैंने कलर कराए हैं बालों को, लेकिन उस टाइम पे कलर चलता ही नहीं था, इसलिए कोई कलर के लिए सोचता ही नहीं था। और अगर वैसे आज भी होते ना, अगर मैंने कलर ना कराए होते बाल, तो लोग सोचते कि मैंने बाल कलर कराया। एक बार हबीब में बाल नहीं कटवाने गए थे, वो नहीं कह रहा था कि आपने मैडम बाल कलर करवाए हैं ना। नहीं, लखमे में गए थे ज्योति दीदी के साथ। हाँ जो मैंने कहा नहीं, मेरे नेचुरली ऐसे ही है।
मैं मान ही नहीं सकता हूँ। वो कह रहे थे कि हाँ आपने बाल कलर करवाए, स्ट्रेट करवाए, आप तो पहले से ट्रीटमेंट लेके आए हैं बालों में। मैंने कहा मैं, अरे मैं सच बोल रही हूँ भाई, मेरे जब आपने वहाँ कटवा दिए थे ना बाल, मेरे बाल नहीं बड़े थे। हाँ इसीलिए मैंने बाल अपने ही हाथों से काटती हूँ। फल देखो कितना होने बता तो रहे, रोजमेरी वाटर लगाओ। रोजमेरी वाटर? हाँ। वो जो एड में दिखाते हैं। हाँ। सब उल्लू बनाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। एक बॉटल मंगा के देख लो आप, सब उल्लू बना रहे। बता रहे ना? सच में? सच में। चल ट्राई करूंगी कभी। कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन सब उल्लू बना रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें बेच रहे हैं। नहीं, ऐप्स का गुडनेस है, सही में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो बताया है, खुद लगाते हैं, यूज करते हैं। अरे सबको पैसा मिल रहा है ना। हाँ, वो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड वीडियो में लगते हैं पैसे, मिलते हैं उन लोगों को। चलो अच्छा ट्राई करेंगे, मंगाएंगे। अभी तो नारियल का तेल ही लगाओ। मैं शुरू से नारियल का तेल ही लगाती आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे मजा वही आता है। ये मजा आता है। हाँ अच्छा लग रहा था यार।